नमस्कार अर्गस्टिन स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करनी चाषी ओम प्रकाश मुझे कहे बर्तमान आम सहित किसी समय पर जड़े कुनी चाषी जोड़ी होते कि सबु बड़ कथा बर्तमान राज्य होश हो सब चिंताजनक स्थित कोरोना तेज कोरोना महामारी राज्य में लकडाउन चली सटन चली बेले स्थित राज्य सरकार समस्त स्कूल बंद कर देते तेज से ही परिप्रेक्षी में शारदा शिशु मंदिर चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुता ओम प्रकाश कोरोना भली महाविपत्ति समय तांको घर छात उपरे पनीपरिया चाष करछंती पनीपरिया चाष को कहीं कहीं यहाँ को एक सुजोग परिणत करछंती किंतु विपत्ति आसिले भी मनीष धैर्य न हराय विपत्ति समय किभली सुजोग हराय थाए ताहा प्रमाण करी देखाइछंती ओम प्रकाश तबे घटना को नहीं तांको परिवार पक्षरु कौन सब प्रतिक्रिया आछ असन नजर पकाइबा ये जो लॉकडाउन समय ता स्कूल छुट्टी रहला से टीवी न्यूज फिर देखे देखी जड़े गच लगोला लगे समय सी मत जिद्दी कला कि माँ आम लगे उपर मुझे जमा छात पर हमें से सब बुद्धि देना पाठ पढ़ कहीं बापा को मत पटी पेटी आ मंजी आनी देवी मुझे लगे सी निजे लगे मटी निजे बोक परिश्रम निजे मटी बोई बापा जमी मंजी आनी दे निजे सी लगे से बहुत खुशी आम पनीपरिया बहुत आम घर भी से आम पर आणुनु बजारू से पर आम घर चलुचु हाँ निश्चित ये तो आम मंडापुर ब्लक गोटे गौरव कथा ये चतुर्थ श्रेणी जन छात्र जे पाठपढ़ा समय पर भी से तार अवसर समय को खेलकूद न बीते से छात पर आज पर चाष कर तो ये अन्य गोटे आह्वान देखिए केवल पाठ ही सरकारी चाकरीर लक्ष्य नुहे कृषि क्षेत्र में जहाँ आमर पारंपरिक जीविका कृषि ये भी पाठ पढ़ा सहित भी संप्रति रोचे जोटा कि सरकार ए दिग्वर दृष्टि देवा निहाती जरूरी प्रथम मना कर सब जिन करना भारी कष्टसाध्य तो ये सब कार्य करवा तो तापर देख ली सी करने आग्रह हो मनरे कष्ट नदी सहयोग कल पेटी आगे मंजी आने देली मटी मगे गोटे मटी आसला निजे सब बोक सब आज से लगे गच सब तबे चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुंट ओम प्रकाश सब बड़ कथा हेउची चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुता बेले खेलकूद बयस यही बयस से चाष कार्य करूँ अनुप्राणित होती ताने आम आगे आलोचना करवा किंतु वर्तमान स्थित जेहेतु स्कूल बंद रही से एक नुआ उदाहरण साजिंट अन्य कहीं समय लॉकडाउन चली सटन चली समस्ते घरे बसुंच किंतु कुनी चाषी जदि कहपर ओम प्रकाश अन्य मानक एक बड़ उदाहरण पलटिंट जो भाई भाव में छात उपर विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष कर तार चित्र देखिपे छोट हेले भी आशा अनेक रही सीधा सीधा प्रमाणित कर देखाउछन्ते तबे भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक अंतर्गत तेसींगा पंचायत कुलणा ग्रामर जितेन्द्र साहू का पुआ ओम प्रकाश बयस मात्र 10 वर्ष स्थानीय शारदा शिशु मंदिर में चतुर्थ श्रेणी पाठ पढ़ते तबे वर्तमान आम सहित कुनी चाषी ओम प्रकाश जोड़ ओम प्रकाश आपन को स्वागत जनाऊँ ओम प्रकाश पाठ पढ़ा सहित चाष एभली चिंताधारा किभली आसला हठात मन को कोरोना महामारी रे बर्तमान लॉकडाउन हो गला एवं विद्यालय भी बंद हो गला व्हाट्सएप रे पाठ पढ़ा व्हाट्सएप रे पाठ पढ़ा गला व्हाट्सएप रे पाठ पढ़ा सहित तापर जो मते जो समय जो गली पड़ा मुझली जो छात पर किसी पर चाष कले आम जो पैसा जो पर खर्च होती पैसा आम संचय ही रही ओम प्रकाश कहाँ चिंताधारा आसला मन को हठात चाष करवा खेलकूद बयस मात्र चतुर्थ श्रेणी में पाठ पढ़ुंट हठात चाष कार्य प्रति एत मनोबल कहीं कहीं खेलकूद अपेक्षा मुझे समय जो बदल जो नष्ट से पर चाष कली आम जो पैसा जो नष्ट पर से पैसा गुड़ा आम संचय की रही केते खुशी लागु छी ओम प्रकाश एभली कार्य करी केमिते खुशी लागु छी बहुत खुशी लागु छी वर्तमान स्कूल ने पाठ पढ़ा ऑनलाइन ने पाठ पढ़ा होची आपण ऑनलाइन ने पाठ पढ़ा होची सेतिरे संग मानक सहित कि आपण को संग माने फोन करू छंती तांको देखाउ छंती कि मु एमिति हम छात ऊपर एम सब चासा करी छी
ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓମପ୍ରକାଶଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓମପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଛୋଟ ବୟସ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ଆଶା ଅନେକ ରହିଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସମସ୍ତେ କେହି ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ, କିଛି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଉପରେ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କର ଏତେ ଦୂର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୁନି ଚାଷୀ ଓମପ୍ରକାଶ କିଛି ନୂଆ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓମପ୍ରକାଶ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓମପ୍ରକାଶ ଘରେ ବସି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲେ ବି ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନା କରି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।